हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है बनाने में। इस डिज़ाइन का आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। ये डिज़ाइन सिर्फ 8 रोज का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 10 + 4 एक्स्ट्रा स्टिच +2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 10 + 4 + 2। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुनना है। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 10 2 × 10 = 20 + 4 एक्स्ट्रा स्टिच +2 एज स्टिच करके टोटल 26 फंदा डाला है। फर्स्ट में आपको 2 रो तक बेस रो बुनना है, फिर आपको एक्चुअल रो स्टार्ट करना है। फर्स्ट बेस रो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट बेस रो सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड बेस रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड बेस रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आपको एक्चुअल रो स्टार्ट करना है। 2 रो बेस रो बुनने के बाद फर्स्ट बेस रो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। फर्स्ट रो एक फंदा आपको स्लिप करना है, फिर धागा आगे 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। अब धागा पीछे करना है। अब पीछे से एक बार एनोवर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस 5 फंदा को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। 1 2 3 4 5, इस 5 फंदा को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। इसे 1 फंदा बनाना है। अब धागा आगे करना है एक बार आगे से एनोवर। यहाँ तक मैंने 1 टाइम रिपीट किया है, आपको ये रिपीट करना है। इस 3 फंदों को छोड़कर स्लिप फंदा, 2 फंदा उल्टा, 1 2। यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है। 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर एक बार एनोवर करना है पीछे से। फिर 5 फंदा को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। लास्ट में आगे से एक बार एनोवर करना है, फिर से एक बार रिपीट करना है। यहाँ पर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे। अब पीछे से एक बार एनोवर। अब 5 फंदा को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। 1 2 3 4 5, इस 5 फंदा को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। फिर धागा आगे। अब एक बार एनोवर आगे से। यहाँ तक मैंने इस 3 फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम्स रिपीट किया है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में 3 फंदा, 2 फंदा उल्टा बनना है। 1
तो अब एक फंदा एज इट इज सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, अब सेकेंड रो। सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब थर्ड रो। थर्ड रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। दो फंदा उल्टा बुनने के बाद अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। अब धागा पीछे पीछे से एक बार एंड वर्क करना है। अब तीन फंदा सीधा, ये बीच का तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। अब धागा आगे करना है, एक बार एंड वर्क करना है आगे से। यहाँ तक मैंने वन टाइम रिपीट किया है, आपको ये रिपीट करना है। तीन फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक बार पीछे से एंड ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर आगे से एक बार एंड ओवर लास्ट में। फिर से एक बार रिपीट करना है, यहाँ पर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक बार धागा पीछे, फिर एक बार एंड ओवर करना है पीछे से, और बीच का तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे, लास्ट में एक बार एंड ओवर आगे से। अब लास्ट में तीन फंदा बचेगा, इस तीन फंदों को दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, लास्ट का एक एज स्टिच एक फंदा को सीधा। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, अब फोर्थ रो। फोर रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बन के कंप्लीट करना है। फोर रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब फिफ्थ रो। फिफ्थ रो राइट साइड फर्स्ट फंदा आपको एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे, एक बार सॉरी दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे करना है। यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, पीछे से एक बार एंड ओवर करना है। अब पांच फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, एक दो तीन चार पाँच, इस पांच फंदा को एक फंदा बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, इस पांच फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। इसे एक फंदा बनाना है। अब आगे करना है इस धागे को, फिर आगे से एक बार एंड ओवर, अब पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा पीछे करना है, सॉरी यहाँ से इस तीन फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। फर्स्ट में पीछे से एक बार एंड ओवर करना है, फिर पांच फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर आगे से एक बार एंड ओवर, फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर धागे पीछे,
पीछे से एक बार एन ओवर, पांच फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, एक दो तीन, सॉरी तीन चार पाँच, पांच फंदों को एक फंदा बनाना है। एक फंदा बनाना है, अब धागा आगे करना है, आगे से एक बार एन ओवर, अब पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तक मैंने टू टाइम्स रिपीट किया है इस तीन फंदों को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक आपको ही रिपीट करना है बार बार। लास्ट में तीन फंदा बचेगा, इस तीन फंदों को दो फंदा उल्टा बुनना है, एक दो, धागा पीछे, लास्ट का एक एज स्टिच एक फंदा को सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब सिक्स रो। सिक्स रो में आपको ये रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब सेवन रो। सेवन रो ए राइट साइड एक फंदा, फर्स्ट का फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे कर लिए, फिर एक बार एन ओवर पीछे से, अब तीन फंदा, इस बीच का तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन, धागा आगे, अब आगे से एक बार एन ओवर, अब पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, आपको ये रिपीट करना है बार बार। इस तीन फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट में एन ओवर करना है आगे से, सॉरी पीछे से, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर आगे से एन ओवर, फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, आपको ही रिपीट करना है बार बार। फिर से एक बार रिपीट करना है यहाँ पर, धागा पीछे, पीछे से एक बार एन ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे, आगे से एक बार एन ओवर, और पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तक मैंने टू टाइम्स रिपीट किया है तीन फंदों को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक टू टाइम्स रिपीट किया है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में तीन फंदा बचेगा, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, लास्ट का एक एडजस्टिस एक फंदा को सीधा बुनना है। सेवन रो भी कंप्लीट कर लिया है, अब लास्ट रो एट रो ये रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए एट रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से एट रो तक रिपीट करना है। फिर से आपको यहाँ से रो वन से स्टार्ट करना है, अब यहाँ से फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।